मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक के अंक लिख लेंगे हम। 0, 1, 2, 3, 4 ये कुल 5 अंक लिख देते हैं। आप प्रत्येक को 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के पश्चात इनको हम सरल कर लेंगे और सरल करने के बाद प्रत्येक का वर्गमूल निकालेंगे। देख रहे हैं 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4। सरल करने के पश्चात प्रत्येक का वर्गमूल निकालेंगे तो देख रहे हैं 0/4, 0 0 का वर्गमूल 0 मिलेगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 को अंडर रूट 2 के रूप में लिख लेते हैं, 3 का पूरा नहीं मिलेगा अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल 2। देख रहे हैं सरल करने पर 1 मिला, 1 का वर्गमूल 1। तो इस प्रकार से ये जो मान मिल जाते हैं ये हमारे साइन क्रमशः 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं साइन 0 अंश का मान 0 मिल गया, 1/2 ये हमारा 30 अंश का मान है, 1/√2 45 अंश का मान, √3/2 ये 60 अंश का मान है और 1 sin 90 अंश का मान है। तो देख रहे हैं ये क्रमशः जो हमारे प्राप्त हुए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान हो गए। इसके बाद काश का मान, इसी को यदि हम उल्टे क्रम में लिख दें, सबसे पहले 1 लिख देंगे ये काश 0 अंश का मान होगा, √3/2 ये काश 30 अंश का मान होगा, 1/√2 काश 45 अंश का मान होगा, 1/2 काश 60 अंश का मान होगा और 0 ये हमारा काश 90 अंश का मान होता है। इसके बाद यदि हम देखें tan, क्योंकि tan जानते हैं sin θ/cos θ ये हमारा tan थीटा होता है, तो 0/1 = 0 ये हमारा tan 0 अंश का मान होगा और 1/2 √3/2 करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3 ये हमारा tan 30 अंश का मान मिलता है। फिर देख रहे हैं 1/√2 / 1/√2 पूरा कट करके 1 मिल जाएगा और 1 tan 45 अंश का मान होता है। इसमें देख रहे हैं बटे करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो √3/1 यानी √3 ये हमारा tan 60 अंश का मान है। फिर देख रहे हैं 1/0 जानते हैं परिभाषित होता है, जिसके लिए अनंत प्रयोग करते हैं, तो ये अनंत tan 90 अंश का मान है। काट का मान लिखने के लिए इसी के व्युत्क्रम लिख देते हैं उल्टे क्रम में। अनंत सबसे पहले लिखेंगे तो ये काट 0 अंश का मान होगा, √3 काट 60 अंश का मान, 1 काट 45 अंश का मान, 1/√3 काट 60 अंश का मान और 0 काट 90 अंश का मान। तो इस प्रकार से काट के मान मिल जाते हैं। इसके बाद यदि हम शिक का मान देखें तो शिक जानते हैं काश का उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही मिलेगा। इसके बाद 2/√3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 ये हमारा शिक का मान हो जाता है, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1 अर्थात √2 शिक 45 अंश का मान, 2/1 अर्थात 2 शिक 60 अंश का मान और 0 का उल्टा, देखिए 0 का अर्थ है 0/1 उल्टा करेंगे 1/0 और 1/0 हमारा अपरिभाषित होता है, ये शिक 90 अंश का मान मिल जाएगा। और कोशिक का मान लिखने के लिए हम जानते हैं यदि शिक को दूसरे क्रम अर्थात पीछे की ओर से लिख दें तो जो मान प्राप्त होते हैं
ये हमारे कोशिक के मान हो जाते हैं, अर्थात कोशिक जीरो अंश का मान अनंत, कोशिक 30 अंश का मान 2, कोशिक 45 अंश का मान अंडर रूट 2, कोशिक 60 अंश का मान 2/√3 और कोशिक 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हम 0 से लेकर 90 अंश तक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसी प्रकार से cos, tan, cot, cosec सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मान प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं मानों की सहायता से हम 120 अंश से लेकर के 360 अंश तक के मानों को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनको हम निकालना सीखेंगे। 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के कोणों के मानों की सहायता से हम 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश, 210 अंश, 225 अंश, 240 अंश, 270 अंश, 300 अंश, 315 अंश, 330 अंश और 360 अंश के मान को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें हम देख रहे हैं चार चार का समूह बना लेते हैं। तो पहले समूह में स्थित कोण देख रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे समूह के चारों कोण तीसरे चतुर्थांश में, जबकि चौथे समूह के तीसरे समूह के चारों कोण ये हमारे चौथे चतुर्थांश पर स्थित हैं। तो इनमें अगर इन फार्मूलों के अनुसार हम देखें 180 माइनस थीटा, तो देख रहे हैं 180 से 60 घटाने पर 120 मिलेगा, 180 से 45 घटाएंगे 135 अंश, 180 से 30 घटा देंगे 150 अंश, 0 घटाने पर 180 अंश। और देख रहे हैं इनमें 180 प्लस थीटा लगाना है, 180 में 30 जोड़ने पर 210, 45 जोड़ने पर 225, इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाते हैं। हमको 120 अंश का मान बताने के लिए 60 अंश का मान बताना होगा और चिन्ह हमारे चतुर्थांश के अनुसार लगेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, मान लीजिए हमको साइन 120 अंश का मान ज्ञात करना है। पहला मान निकालते हैं साइन 120 अंश। तो साइन 120 अंश को हम देख रहे हैं, साइन 120 अंश ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में हमने बताया 120 अंश के लिए 60 अंश का मान बताना है। और जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2, इस प्रकार से साइन 120 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देख रहे हैं 135 अंश, यदि 135 अंश का मान हम लिखें तो साइन 135 अंश बराबर, क्योंकि 135 के लिए हमको 45 अंश का मान बताना है और दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में देख रहे हैं साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो साइन 135 अंश का मान 1/√2। इसी प्रकार से 135 के बाद देख रहे हैं 150 अंश, साइन 150 अंश का मान यदि ज्ञात करना है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश जानते हैं 1/2। इसके बाद चौथा हमारा साइन 180 अंश है, 180 अंश देख रहे हैं 0 घटाने पर 180 से 0, तो 0 अंश का मान बताना है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 180 के बाद देख रहे हैं 210 अंश, साइन 210 अंश, चूँकि ये देख रहे हैं हमारा तीसरा चतुर्थांश आ जाता है और तीसरे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है तो माइनस, और 210 अंश के लिए हमको 30 अंश का मान ही बताना है तो माइनस 1/2। इसके बाद 225 अंश, साइन 225 अंश का मान चूँकि तीसरा चतुर्थांश है इसलिए निगेटिव चिन्ह, साइन 45 1/√2। इसके बाद साइन 240 अंश, 240 अंश भी देख रहे हैं तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में साइन निगेटिव और साइन 60 अंश का मान बताना है √3/2। इसके बाद 240 के बाद देख रहे हैं 270 अंश, साइन 270 अंश तीसरा चतुर्थांश निगेटिव, साइन 90 का मान बताना है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसके बाद 270 के बाद देखें 300 अंश, ये हमारा चौथे चतुर्थांश में आ जाता है।
और चौथे में हम जानते हैं साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस में, और 300 अंश के लिए हमको 60 अंश का मान बताना है, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। इसके बाद साइन 300 अंश के बाद देख रहे हैं 315 अंश, तो 360 से 45 घटाने पर 315 मिलेगा, 45 अंश का मान बताना है 1/√2। इसके बाद 315 के बाद देख रहे हैं 330 अंश, साइन 330 अंश, जिसमें कि हमको 30 अंश का मान बताना है चौथा चतुर्थांश से, चौथे में साइन निगेटिव होगा, इसलिए साइन 30 अंश का मान 1/2। इसके बाद 360 अंश, साइन 360 अंश के लिए देख रहे हैं चौथा चतुर्थांश है और चौथे में निगेटिव होगा, साइन 0 अंश का मान बताना है, साइन 0 अंश का मान जानते हैं 0 ही होता है, तो माइनस 0 लिखें या प्लस 0, 0 ही रहेगा। इस प्रकार से साइन 360 अंश का मान 0 मिल जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमने साइन के मान निकाले, इसी प्रकार से हम कॉस टेन कॉट से कॉसिक के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये निकालने की बहुत ही आसान विधि है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।